प्रथम तहलका न्यूज। अंबाला छावनी की जनता को पीने के पानी की किल्लत से निजात दिलवाने के लिए प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी की जनता को 106 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण सौगात दी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अमृत स्कीम के तहत 106.14 करोड़ रुपए की लागत से लगाई जाने वाली नहरीय पानी की सप्लाई की पाइपलाइन एवं 30 एमएलडी जल संचार संयंत्र के कार्य का गांव औदपुर में शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी के हर घर तक स्वच्छ और शुद्ध पेयजल बिना पानी की मोटर के चौथे फ्लोर तक उपलब्ध हो, इसके लिए इस कार्य का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव अद्दो माजरा से लेकर घसीटपुर तक लगभग 23 किलोमीटर तक सीधी पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा और घसीटपुर में पहले से बनाए गए पानी के चार टैंक और ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी को साफ करते हुए बूस्टर के माध्यम से लोगों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। अंबाला छावनी में जल का जो स्तर है वो बहुत नीचे जाता जा रहा था, इसलिए 1996 में मैंने कनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर कराई थी, जो जनसुई हेड से घसीटपुर तक पानी जाता है। घसीटपुर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखा है, वहाँ पर पहले रॉ वाटर इकट्ठा करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर फ्रेश वाटर टैंक में डालते हैं और फिर 12 बूस्टरों से वो अंबाला छावनी के कोने कोने में पानी जा रहा है। पहली जो योजना थी वो पुराने शहर के हिसाब से उस वक्त बनाई थी और 15 क्यूसिक पानी की पाइपलाइन हमने यहाँ से अंबाला छावनी तक डाली थी। अब क्योंकि इलाका बढ़ गया, लोग बढ़ गए, कई गाँव जुड़ गए हमारे पास और यहाँ से लेकर हम डिफेंस कॉलोनी कलर हेड़ी तक वो बवियाल और जो हमारे रामपुर सरसेड़ी और नगल जो गांव हैं, इन सारे गांव में हम ये पानी पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए 106 करोड़ रुपए की जो योजना है तो वो मंजूर हुई है। एक पैरेलल पाइप और डाल रहे हैं यहाँ से ताकि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। चार टैंक घसीटपुर में नए बना रहे हैं ताकि स्टोरेज की और फ्रेश टैंक की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। और इन सारे जो बूस्टर हैं सारों पर जनरेटर लगाए हैं हमने, ताकि अगर बिजली किसी वक्त बंद भी हो जाए तो लोगों को पानी के लिए तरसना ना पड़े। हमारा टारगेट है कि अंबाला के हर नागरिक को जो है उनके चौथे फ्लोर तक भी पानी बिना मोटर से जा सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर ये भी कहा कि विकास की दृष्टि से हम योजना का काम कर रहे हैं और जल्द ही अंबाला छावनी क्षेत्र में खुली नालियों को कवर करने का काम किया जाएगा और इलाके में एक भी ओपन ड्रेन नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए लगभग 27 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और साथ ही सर्वे का काम भी जारी है। अंबाला छावनी में कहीं भी गंदगी नाम की चीज नहीं रहेगी। विज ने बताया कि वो क्लीन अंबाला ग्रीन अंबाला के ध्येय पर भी काम कर रहे हैं। जो नालियां हैं सारी उनको हम कवर करने जा रहे हैं। लंबा प्रोजेक्ट है, काफ़ी समय लगेगा। 27-28 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हो चुकी है, बाकी भी सर्वे बन रहा है। सारी नालियां ढकना चाहते हैं और जो पटवी प्लांट बहुत देर से बंद पड़ा था वहां पर भी उसका भी कंट्रैक्ट हो चुका, वहां पर साफ सफाई करवा रहे हैं, सारा उसको खाली करवा रहे हैं ताकि दोबारा जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसको भी अंबाला छावनी में शुरू कर रहे हैं। हमने सड़कों में पेड़ लगाए हैं, पार्क बनाए हैं, बाकी जगह पर भी हमने प्लांटेशन की है। तो हमारा टारगेट है कि ग्रीन अंबाला क्लीन अंबाला, और इसमें सभी लोगों को भी सहयोग करना चाहिए ताकि हमारा शहर जो सबसे सुंदर शहर बन सके। दरअसल अनिल विज जहां कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी कर रहे हैं तो वहीं इन दिनों अंबाला में विकास कार्यों पर भी स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज काम कर रहे हैं और लगातार इस कड़ी में अंबाला में नई नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।